ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 51वीं एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के सभागार में आयोजित संगोष्ठी के चौथे दिन वक्ताओं ने संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्त ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर केवल आध्यात्मिक साधना का केंद्र ही नहीं रहा है, बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक सहित अनेक प्रविधियों का बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भारत की प्राचीन उज्ज्वल परंपरा का पुनर्आख्यान व विकास के दायित्व का भी निर्वहन श्री गोरखनाथ मंदिर ने भली भांति किया है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखनाथ मंदिर द्वारा संचालित संस्थाओं में भारत की प्राचीन परंपरा संस्कृत शिक्षा के माध्यम से अभी जीवित है। साथ ही प्राचीन चिकित्सकीय परंपरा को नए कलेवर के साथ आयुर्वेद के रूप में आज भी यहाँ जीवित है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि प्रकृति हमारी परंपरा हमारा दर्शन सदा से है। प्रकृति सतत सृजनशील भी रहती है। नई पौध नई कली नए फूल तथा सुगंध के रूप में प्रतिपल पुनर्नवा होती रहती है और हम प्रकृति के नए रूपों व उसके प्रपंचों को देखकर आह्लादित होते रहते हैं। मनुष्य प्रकृति का अंग है। प्रकृति ने हमें धरती आकाश नदियां तारे चंद्रमा इत्यादि से सुभोषित ऐसा वातावरण दिया है जिसमें सभी कार्यरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि आकाश को अनंत देखकर हमारे पूर्वजों ने उसे पिता कहा है। दुनिया की किसी भी चिंतन धारा में इतनी वास्तविकता नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्कृत में समाहित है प्रकृति का प्रसाद जिसको लेकर हमारे पूर्वजों ने सम्यक अध्ययन चिंतन व सुसंगत प्रयोगों द्वारा विश्व के लिए जिसको गढ़ा उसका नाम संस्कृत है। हमारा राष्ट्र भाव एक संस्कृति एक राष्ट्र इस पर खड़ा हुआ है। यह एक वैदिक संस्कृति है और यह संस्कृत की धारा अविच्छिन्न रूप से बहती चली आ रही है। भारतीय संस्कृति कई संस्कृतियों की जोड़ नहीं है। मानव के आंतरिक जीवन को और अधिक शाश्वत बना सकने का ज्ञान संस्कृत में समाहित है। संस्कृत ने भारतीय संस्कृति को प्रवाहमान बनाया है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि संस्कृति भाषा में विश्व बंधुत्व एवं विश्व कल्याण की भावना समाहित है जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमारी भारतीय संस्कृति में माँ शब्द बहुत ही गंभीर है, इसलिए भारत जिन तत्वों को अत्यंत प्रिय कहा गया है उसको माँ शब्द से संबोधित किया जाता है। इसलिए अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत करने के लिए भारतीय संस्कृत में देश को भारत माँ कहा गया है। यह भावना हमारी संस्कृति को महान बनाती है। इस मौके पर दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवीपाटन के महंत मिथिलेश नाथ तथा अयोध्या से राम मिलन दास जी उपस्थित रहे। संगोष्ठी का श्री गोरखनाथ मंदिर के फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल और गोरखपुर न्यूज चैनल के माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। एक जन्म की बात करते हो चार हमारे पूर्व जन्म
यूनिटी में कल्चर कहते हैं, कल्चर और संस्कृति दोनों पड़ोसी भी नहीं, कल्चर में कल्चर परमानेंट साइलेंस, वह संस्कृति का पर्यायवाची नहीं हो सकता। हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम के बाद आई राज सत्ता ने संस्कृति के पहले एक शब्द लगाया सामासिक संग्राम है, और जब आपत्काल था उत्तर तत्वों की स्मृति जोड़ी गई थी, उस सूची में भी सामासिक संस्कृति की बात, उस विचारधारा के विद्वान देश की संस्कृति को एक संस्कृति नहीं मानते। और सही बात तो यह है कि हमारा भारतीय राष्ट्र भाव एक संस्कृति, एक जन, एक राष्ट्र इस बात पर पड़ा। यह एक संस्कृति वैदिक संस्कृति है और इस संस्कृति की धारा अविच्छिन्न है। कुछ इतिहासकार इनका झूठ चुका है, तो पहले समाज को बाद में और हड़प्पा को पहले रखते हैं। अब जो सिद्ध हो गया है कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति प्राचीन है, हड़प्पा उन्हीं का रिश्ता है। तो हमारे यहाँ के लोगों ने सामासिक संस्कृति शब्द इस्तेमाल किया। हमारे जो सदर अदालत की अभी डॉक्टर हजारी प्रसाद बुद्धि को उपलब्ध करा देते हैं, हम सदन में तीन ग्रहण को बैठते हैं। हजारी प्रसाद बुद्धि जी के प्रति स्वभाव होते हुए निवेदन करना कि उन्होंने भी कई संस्कृतियों का जोड़ बताया था, उनको बताया कि बहुत सुंदर एसेंस है पराग, लेकिन कई संस्कृतियों का जोड़ होता है। मैं हजारी प्रसाद बुद्धि के चरणों में प्रणाम करते हुए बात करता हूँ। भारत की संस्कृति कई संस्कृतियों पर जोड़ नहीं, संकुचित नहीं, मिलकर नहीं है, एक संस्कृति पहले से प्रवाह मान उसमें लोग आए, इन विचार के मुताबिक हमने उन्हें अपनाया, उन्होंने हमें अपनाया। हमने ज्यादा इसलिए अपनाया कि हमारी संस्कृति विशेष प्रकार की थी, अच्छी बनी नहीं। लेकिन जब कभी भी मैं एक स्तंभकार के रूप में माननीय दीक्षित जी को पढ़ता हूँ, उनको सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी राजनेता के बजाय में किसी विश्वविद्यालय के बहुत परिष्कृत और अध्यवसायी आचार्य को सुन रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि यह मेरा खुद का और प्रदेश की समस्त जनता का एक सौभाग्य है कि ऐसा विधानसभा का स्पीकर हमको मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दीक्षित, बहुत बहुत सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो सूत्रों या स्तंभों के ऊपर उसकी व्याख्या की जा सकती है। दूसरा है एकम सर विद्या विप्रा होगा बदलती, तीसरा है सर्वे मन सर्वे संत विराम, और चौथा है सर्वसंभव। ऐसे सूत्र हैं जो हमारी संस्कृति के आधारशिला है और यह विश्व के लिए कल्याणकारी है। अगर विश्व कल्याण करते हैं तो इन्हीं सूत्रों के आधारशिला पर विश्व का कल्याण हो सकता है, यानी भारतीय संस्कृति विश्व की कल्याणकारी संस्कृति संस्कृति मानी जाएगी। सैद्धांतिक पृष्ठभूमि से व्यवहारिक में आवे और हम अपने संस्कृति की व्याख्या करना चाहें तो शायद भारतवर्ष की अकेली संस्कृति है जिसकी व्याख्या हम केवल एक शब्द में कर सकते हैं, एक शब्द की व्याख्या कर सकते हैं, और ऐसा शब्द है जो हमारे हृदय को छू लेता है, और वो शब्द है माँ। माँ हमारी संस्कृति की व्याख्या करती है। गाय क्या है?
गंगा एक नदी है, जब गंगा हम करते हैं तो हमारी संस्कृति पैदा कर जाता है। तुलसी एक पौधा है, तुलसी माँ हमारी संस्कृति पहचान है। पृथ्वी एक प्लेनेट है, जब हम पृथ्वी माँ कहते हैं तो हमारी संस्कृति पैदा कर जाते हैं। ऐसे गीता एक पुस्तक है, जब गीता माँ कहते हैं तो हमारी संस्कृति पैदा कर जाते हैं। और सारी माताओं से बढ़ करके हमारी भारत माता हमारी संस्कृति पहचान है, बहुत बड़ी है। जब ये सारे के कल्याण के लिए सब है और यही भारतीय संस्कृति का चर्चा है। विश्व कल्याण माना देने के लिए हम किसी भी की मांग शरण में जाते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति यही चीज के तौर पर। कुछ और बातें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर अपनी संस्कृति को और जमाने पर रखा जाए तो हमारे संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है परिवार। एक समरस संगठित सदाचार सद्भाव और परस्पर स्नेह पर आधारित परिवार, यह एक हमारी संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। भारत के जो मूल तत्व हैं, मदर इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल ऑफ अस, भारत वर्ष हमारी सब लोगों की माँ है, भारत माता सारी सब सारे मानवता की माता है। वो कौन भारत माता? हमारी सांस्कृतिक भारत माता, हमारी सांस्कृतिक माता माता जो है ये सारी माताओं की माता है, सारे देशों की माता है। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, लिखा था संस्कृत इज द मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, उन्होंने ही लिखा है, पर उन्होंने लिखा है संस्कृत इज द मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। भारत वर्ष के कॉन्टिनेंट में और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितनी भाषाएं हैं सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, ये बिल्डुल का कथा है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसमें इतनी समृद्ध संस्कृति है और इतनी ही स्पष्ट प्रभावी अपार ज्ञान को भरने वाला हमारा हमारी भाषा संस्कृत है। हम अपनी संस्कृत की सुरक्षा के लिए और इस संस्कृत के ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारा दोनों प्रमुख महंतों पूज्य महाराज के प्रति यही श्रद्धांजलि होती। मैं एक बार पुनः आज के मुख्य वक्ता विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय हृदयनारायण दीक्षित जी को, वक्ता सदानंद गुप्ता जी को, पूज्य महंत सुरेश दास जी को, मंच प्रति संतों को, आप सबको, आयोजन समिति को, पूरे मणा प्रशिक्षा प्रसाद परिवार को और साथ साथ मीडिया के लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे वचन से। सभा प्रातःकालीन सत्र की यह संगोष्ठी पूर्णता को प्राप्त करती है। सायंकालीन सत्र में इसी सदन में प्रभु श्री राम की कथा पर आधारित प्रवचन और उद्बोधन कथा व्यास जी महाराज के मुखारविंदों से प्राप्त होगा और कल प्रातःकालीन सत्र की संगोष्ठी भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा पर आधारित है। कल प्रातःकालीन सत्र में इस सदन में जिस विषय पर संगोष्ठी है वह है भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा। इसी के साथ प्रातःकालीन सत्र की यह संगोष्ठी यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।